या मुड़ी पण बेचे ना ये गांव का तालाब, ये है एक छोटा सा खेत हमारा, बड़ा सा खतरनाक रास्ता चे उड़ी छो मैं थक लग गई, बहुत टाइम बाद आए ना। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज के नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है रोड से। ये मेरे सामने सड़क है और मैं जा रही हूँ अभी थोड़ा सा दूसरे साइड के खेत देखने। और आज पहन रखी है मैंने साड़ी, तो ससुराल में साड़ी पहनते हैं, घर पे तो चलो सूट पहनते लेकिन बाहर नहीं निकलते। तो अभी मैं बाहर आई हूँ तो मैंने साड़ी डाल दी है। और आगे आगे मेरी जिठानी जी जा रही हैं, दीदी साथ में एक और है, वो हमारी भैंस के लिए घास लेके आते हैं। तो बस हम तीनों के तीनों घास लेने जा रहे हैं। आपको दिखाऊंगी मैं इधर के खेत, आधे तो चले गए हैं, अब हम काफ़ी आगे आ गए हैं। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ इधर का थोड़ा सा व्यू नज़ारा दिखाती हूँ और खेत कहाँ है देखते हैं कैसे हैं। और हमारी भैंस जो है बीमार हो रखी है, तो उसके लिए एक जो घास होता है वो हमें यहीं मिलेगा, उधर नहीं मिलेगा। तो अब हम लेने चलते हैं। तो ये तो जा ही रहे हैं, काफ़ी दूर आ चुके हैं हम। और ये देखिए खेत, और इधर पेड़ वगैरह लगे हैं, इधर मकाने बनी हैं। या मुड़ी पण बेचे ने एक भी नहीं छे ना पकड़ा ये दी छे ने नाम या लेकिन नाम बस ये है सौरखाल के खेत। लगभग हम 2 किलोमीटर पैदल आ चुके हैं। अच्छा यू दिया पता यू भी चिन बड़ू सी ना सुबह काटने है ये तो छोड़ा रहा ननन गोम फोन ये तो बोला कनारा। अच्छा कनारा, तो ये है कनारे का पेड़, ये भैंस को खिलाएंगे अब हम, क्योंकि हमारी भैंस बीमार हो रखी है। ठंडा हो ना नी ये जरा शीतल हो ना नी सीधे एकदम ठंडी जगह पर है। और तो जो जो मेरी वीडियो देखेंगे उन सबको भी पता चल जाएगा, अगर कोई जानवर गाय भैंस बीमार हो गई तो इसकी जड़ें खिलाओ उनको, ठंडक पड़ जाएगी, गर्मी हो गई है जिसको अगर। तो इस पे बहुत कांटे रहते हैं। ओणा छन जोड़ा कंडारा कक छन जोड़ा कतरा जोड़ा छन देखा दिखावल ये। अच्छा यू यहाँ पन्नी भी लिया नहीं उतर हो लिया ये छन कंडारा जोड़ा। अच्छा छकी छन रे यार काटे मुंडा का काटे नहीं कर काटे नहीं कर मुंडा का हां काटो 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 बस ये यू तो बड़ू छ जोड़ा पवन ये फैलिया। अच्छा मैं सोची काना बिल्ली जान सा लेती हूँ। ये पूरा जंगल है यहाँ, पहाड़ों के जंगल देख लो आप सब, सौराखाल गांव के रुद्र प्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। और नीचे भी दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ से कहीं मैं नीचे न गिर जाऊँ ये देखो। और ये बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है, सामने पहाड़, खेत, सीढ़ी नुमा खेत है ये। यहाँ हमारे उत्तराखंड में हर जगह आपको सीढ़ी नुमा खेत ही देखने को मिलेंगे पहाड़ों में। बांज बुरास ये तो चीड़ जिन। अच्छा यू चो ये लंबू दिखाणो बता ना सुनी थे दिखाणो ये बुरास के पेड़ और काफल के भी है। कतरे बड़ू ने की ये पर छकी ने की हाँ हाँ ऊपर भी तो सी कर जन थोड़ा काम गांव की दवाई देसी नुक्सा
या यूचू डाव डाव होर खोज दू मैं दुई तो ना कुछ तो मिला लो कंजौड़ी मिली ते पर बल्ली जोड़ी हाँ ते ही पर मिल दी। बस इधर गांव वाले कोई नहीं है तो सर पे पल्लू रखती पल्लू हटा देती हूँ और मैं ढूंढती हूँ पेड़ और इधर मिल तो रहे हैं नहीं मुझे फिर भी एक नज़र देख ही लेती हूँ इधर इधर मैं काफ़ी दूर आ गई तो मुझे कुछ नहीं मिला यहाँ वहीं पे हैं बस 5-6 पेड़ तो उसी की जड़ें निकाल के हम घर जाएंगे तो क्या पता खेत भी देख लेते हैं उधर से दूर से तो मैंने देख लिए और देख लेती हूँ आज मिले तिल बड़ा चल जाना चलो तुम्हारा मेज जाना है खोजे तो खोजे दी सक लानी जन जाना सक लानी अच्छा सकन जाना काटने का हमेशा चाहे तो क्या आज लो तो चलो बीमार हुई हूँ ये गांव का तालाब तो के जी किलोमीटर या किलो च सारा खा ले तो सारा खा 2 किलोमीटर चले गए थे 1 किलोमीटर आ गए हम या किलोमीटर और जाना जी अमन तो ये सोरा खाल की सड़क अरे तो ये देखिए खेत धूप भी जाने वाली हैं लोग गुड़ाई कर रहे हैं तो आजकल यहाँ खेतों में धान हो गया मंडुआ वगैरह लगा रखा है अभी बहुत छोटा छोटा है तो ये बाद में होगा बड़ा हाँ बट्टू खतरनाक रास्ता आ गया और ये रोड ऊपर छूट गए और हम काफी नीचे आ गए बरखा ना हो कभी ये भी मन की बेचे नहीं बैठा हैं चढ़ाई चढ़ चढ़ के थक गए हैं पल्लू भी सर कोनो हवन हैं ये पुनी जरूरत कोई दिखेगी तो तन तो मैं बुढ़िया छून पल्लू ने भी धरो लो तो क्या चाहिए दादी छींचो हैं दादी भी छींचो सासू छी चलो करीबे नहीं भी दारो लो पल्लू तो चली जा लो चढ़ाई 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 मुश्किल है अच्छा वे हम खेतों में चढ़ाई चढ़ के ये चमा पंगड़ो बस इधर अक्षिन हैं ये चिन पुंगड़ा ये चिन पुंगड़ा ये जो ये घास लगी घास ये हमारा खेत सड़क का न जाम आया कभी तो दीदी ने इन खेतों में बहुत मेहनत कर रखी है और आज वो बंजर पड़े हुए हैं या अच्छा यह पेन या ऐच बीच में भली पुंगड़ी बीच में यह भली पुंगड़ी च मेरे पीछे नीचे पूरा बंजर खेत दिख रहा है ये हमारा ही है किसी को करना होगा तो बता देना बाबरे पहले हमने डाउन हुए फिर हमने चढ़ाई चढ़ी अब फिर से डाउन हो गए अब हम
बापरे अलजी पड़ी छो मैं। खेत ये हैं हमारे सब हमारे जने पेन। अच्छा ठीक है जो करियो ते का पेन यो। अच्छा ठीक है हमारा मौसम भी खराब होएगी बादल लगी ना बरखा होने छक। अच्छा गाड़ी बोलो हाँ सब डावा छगे छन डावा खतरनाक रास्तो च रिंग लगनी रिंग वह में मरी छो अगर ये तो तू नजर हटी नजर हटी दुर्घटना घटी तमु तन छुई छिन। ये देखिए असली गाड़ी बाबा बाप रे बाप तूफान भी आने अरे हवा झोंका उन छो ना तेज उड़ी छो मैं तब तू वेगी छो फिर छकी धाड़ कर लिवे आ जमन थक लग गई बहुत टाइम बाद आए ना तुम भी अभी आया वाला ना अभी आया हूँ काफी टाइम जब आप भी टिनोंजे वाला हाँ ना सिपुए अभी मैं तो काम ही ली नहीं गौर मुँह हाँ कब भी ना। अच्छा ये हमारा एक खेत हाँ बढ़िया खेत ये बढ़िया खेत लगनो कि लेगी ये मैं कुछ बूती हुई ना ये खेत अच्छा लग रहा है लास्ट तक गाँव की गली हारे दथड़ी भी तनी रहेगी बांदर भी नहीं है ना। पहुंच चुके हम अब सड़क में पहुंची ना बम घर में सब पंगड़ा देख लेन थक लग कोई जो अनाज लगी तो भला छन जब बांधे छन तो बेकार छ जो अनाज छ तो भला छन बेकार नहीं मोन कौन बोल को हम बोल जाई हैं रुपए दी दी ये ना गाड़ी कुछ नहीं चुके हैं हमें बनाना चिप्स घर आते ही खेतों से घर आते ही हमें बनाना के चिप्स मिल गए खाने को। ये हैं ये बना रखे हैं जिठानी जी ने और मीनाक्षी मानसी दोनों में से किसी एक ने हेल्प करी है। बहुत गर्मी हो रही है तो मैंने उतार दिया स्वेटर। आप मेरा बोला टोटल वैसे कैलकुलेशन करके